हेलो, चार सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबो सर पर। आयोग से अच्छे होंगे तो एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं आज के हम इस वीडियो में। इससे पहले 7.1 का हम कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो, इसमें कहा है 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? समाकलन। 7.1 में आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इंटीग्रेशन या फिर समाकलन क्या होता है। बाकी जो उसके फॉर्मुले यूज होने हैं वो भी हम जहाँ पर जिसका यूज होगा वहां पर हम आपको बताते चलेंगे। तो ये फॉर्मुला है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ये जो आपकी एक्सरसाइज 7.2 है, तो इसमें हमें यूज करना है प्रतिस्थापन विधि का। ठीक है, प्रतिस्थापन यानी समाकलन की प्रतिस्थापन विधि है वो। मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो अगर आप इसको बुक में ओपन करना चाहें तो बुक में भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप क्या लिखा है, समाकलन की विधियाँ। ठीक है, 7.2 स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर देखो, समाकलन की टोटल इस पूरे आपके चैप्टर में 3 विधियां यूज होंगी आपकी, प्रतिस्थापन, आंशिक बिंदु में विभाजन द्वारा समाकलन और खंडसा समाकलन। तो ये तीनों विधियों में अभी फिलहाल जो हमको सीखनी है वो है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। इसमें प्रतिस्थापन में क्या होगा कि सीधा हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, साइन एम एक्स दे रखा है, तो हमें इसमें से एम एक्स को यानी एक्स के साथ जो भी पद होगा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि एक्स को टी में, एक्स को टी में परिवर्तित करने के लिए। ठीक है, यानी एक्स को आप हमेशा क्या करेंगे, टी में परिवर्तित करेंगे। और कुछ आपने ऐसा मानना है कि एक्स को मानने पर हमें दूसरी चीज मिल जाए। तो जैसे अगर यहाँ पे आप देखेंगे एम एक्स को अगर हम टी मान लें, एम एक्स को टी माना है, तो जब आप इसका डिफरेंशिएट, और जिसको आप मान रहे हैं उसके बाद उसका आपने क्या करना है, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करना है। अवकलन करने के बाद देखो, एम डी एक्स, एम एक्स का आपने डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ से आपका एम कॉफिशियंट यानी कॉन्स्टेंट है बाहर से जाएगा, बचेगा एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा, तो आ गया क्या, एम डी एक्स। और इधर टी का करेंगे तो बन जाएगा डी टी। ठीक है, तो देखो आपके पास क्वेश्चन था साइन एम एक्स डी एक्स, तो अब आप एम डी एक्स देखो, अगर आप यहाँ से m को निकाल दें, m और dx को एक साथ लेंगे तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, dt। तो m dx की जगह ये आ गया dt। ठीक है, और उसके बाद mx की जगह आप क्या लिख सकते थे, t। mx की जगह आपने लिख दिया t। ठीक है, और ये जो आपका m है उसको आप बट्टे में ले आएंगे। देखो mx, ये जो आपका साइन के साथ mx है उसको आपने क्या मान लिया, t, यानी इतने की जगह आपने लिख दिया t, तो बन गया साइन t। अब आपको चाहिए dx का मान, तो dx देखो यहाँ पे dx के साथ क्या है, m गुणा में, तो m आप ले आएंगे इधर बट्टे में। जब आप इसके बट्टे में ले आएंगे तो ये हो जाएगा dt बट्टे m। तो इस dx की जगह क्वेश्चन में, इस dx की जगह आप क्या ले सकते हैं, dt बट्टे m। और ये जो आपका बट्टे में m आएगा वो आपको कॉन्स्टेंट करके बाहर निकाल सकते हैं, उसके बाद सिंपल आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। ऐसे आप यहाँ पे देखेंगे सेकंड वाले में, सेकंड में हमें दे रखा है 2x sin x² + 1। अब यहाँ पे आप किसको माने कि हमें दूसरा पद मिल जाए, तो देखो अगर आप x² + 1 को t मानते हैं तो, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम इस वाले का, तो आ जाएगा 2x + 1 का करेंगे 0 हो जाएगा, तो 2x dx = क्या आ जाएगा, dt। तो हमें चाहिए क्या, यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेकंड वाले में, तो x² + 1 को t माना, t मानने के बाद प्रतिस्थापन किया और उसके बाद 2x dx आ गया, तो हमें चाहिए क्या, 2x चाहिए। देखो इस 2x और इस dx की जगह पर क्या आ गया, हमारा dt आ गया, साइन स्क्वायर, देखो साइन, फिर x² + 1 की जगह आपका क्या आ जाएगा, t। तो सिंपल आपका जो इंटीग्रेशन करना है वो आपने किसका करना है, साइन t dt का। तो क्वेश्चन पर चलते हैं और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा आपको ये पता चल गया कि क्या करना है, किसी एक को मान लेना है t, और उसका उसका डिफ्रेंशिएशन करने पर हमें दूसरी चीज जो क्वेश्चन में दे रखी है वो अगर मिल जाती है तो सिंपली आप फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट नंबर आपको देखो यहाँ पर दे रखा है 2x / 1 + x². ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें जो ये क्वेश्चन दे रखा है उसको हम क्या मानेंगे, i, जो हमें फलन दे रखा है उसको क्या मान लेंगे, i। लिख लेते हैं यहाँ पे, माना i बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन 2x / 1 + x² dx। अब देखो हमें ऊपर या फिर नीचे, या तो इसको या फिर इसको, दोनों में से किसी एक को क्या मानना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा। तो हम किसको माने कि हमें दूसरा मिल जाए, तो आप कहेंगे सर सिंपल है कि आप मान लीजिए, माना 1 + x² अगर आप 1 + x² को t मानते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो यह आ जाएगा आपका 2x dx बराबर में आ जाएगा क्या, dt। ठीक है, अब देखो हमें 2x dx, तो इस पूरे की जगह हम क्या रख सकते हैं बच्चों, dt रख सकते हैं, और 1 + x² यानी इस 1 + x² की जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आराम से समझना। तो देखो अब सिंपल हम मान रखेंगे i बराबर आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन 2x dx की जगह क्या आ जाएगा, dt।
एक बट्टे में, देखो 1 प्लस x² की जगह आप क्या रख सकते हैं, t, तो यहाँ पे आ जाएगा dt बट्टे t। अब i बराबर, देखो अगर मैं आपसे बोलूँ 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन बताइए, 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन बताइए, तो ये मैं आपको फॉर्मूले में दिखा देता हूँ, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 1 अपॉन x के लिए। देखो 1 अपॉन x dx क्या होता है, log x होता है। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 अपॉन t dt है, ठीक है। अब इसका बताओ डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका log t, क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंपल कर दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा log जाएगा बच्चों क्या आपका log t प्लस c। और आपने पीछे देखा है कि अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक आपका अचर पद आएगा ही आएगा, तो ये आ जाएगा i बराबर। अब log t आपने किसको माना बच्चों, वो है 1 प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ पे आप रख दीजिए 1 प्लस x² प्लस c। ये आपका फर्स्ट नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सिंपल, बस आपने ये देखना है कि किसका अगर किसी एक को माने और हमें दूसरी चीज मिल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर चलना है। अब देख लेते हैं यहाँ पर सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको ये और बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे, क्योंकि अभी नया नया आप लोगों ने स्टार्ट किया है 7.1 में, थोड़ा सा क्लियर होगा, बाकी जो बचा हुआ आप यहाँ पर देखेंगे। सेकेंड नंबर है, इसको मान लेंगे आई बराबर लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स। अब किसको माने कि हमें क्या मिल जाए, अब आपको पता है कि अगर आप 1 अपॉन सॉरी देखो आप अगर 1 अपॉन x को मानते हैं t, तो 1 अपॉन x का d/dx नहीं होता है, इसका d/dx नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि आपका d/dx होना चाहिए। तो आप क्या मानेंगे यहाँ पे, log x को मान लीजिए t, माना log x बराबर t। तो जब आप इसका d/dx करेंगे, चाहे तो आप यहाँ पर लिख लीजिए d/dx log x, और इधर आ जाएगा आपका क्या dt। तो यहाँ से जब log x का करेंगे बच्चों, आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन x dx बराबर में आ जाएगा क्या dt, तो मान रख दीजिए। तो i बराबर हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन और dx भी साथ में लेके चलेंगे, i बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन। देखो log x की जगह क्या रखेंगे t, क्या आ जाएगा t² और फिर आ जाएगा आपका 1 अपॉन x dx। देखो यहाँ पर x बट्टे में है, तो आप इसको 1 अपॉन x लिख सकते हैं, ऊपर dx है, तो 1 अपॉन x dx की जगह क्या आ जाएगा dt, यानी इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, dt लिख सकते हैं, यानी इस पूरे की जगह बच्चों क्या आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में dt आ जाएगा, क्लियर है। तो ये आ जाएगा आपका dt। अब इंटीग्रेशन x² का आपको इंटीग्रेशन पता है, x² का पीछे सीख चुके हैं इंटीग्रेशन क्या करना है आपको, तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा आपका, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x^n+1 अपॉन में n+1। तो आ जाएगा t² + 1 अपॉन में 2 + 1 + c। इसको आप सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, i बराबर आ जाएगा t³ अपॉन में 3। नेक्स्ट स्टेप, आई बराबर आ जाएगा टी का मान रख दीजिए, टी को आपने क्या लिया है, लॉग एक्स को टी लिया था ना, तो ये आ जाएगा आपका लॉग एक्स का क्यूब अपॉन में 3 + c। इस तरह से आपका सेकंड नंबर भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, थर्ड में भी सेम लिख लेते हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x + x log x dx। अब किसको माने कि हमें दूसरा मिल जाए, तो अगर आप यहां से x कॉमन ले लीजिए, एक काम करिए पहले यहां से आप x कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। आप x कॉमन निकालेंगे, देखो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + log x इधर dx। अब अगर हम 1 + log x को t मान लें, माना
वन प्लस लॉग एक्स बराबर टी, इसका जब डी बाई डी एक्स करेंगे लॉग एक्स का आ जाएगा आपके पास वन अपॉन एक्स डी एक्स बराबर में आ जाएगा डी टी। क्लियर है? देखो वन तो आपका हो जाएगा जीरो, डिफ्रेंशिएशन करने पे लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स डी एक्स बराबर में आ जाएगा डी टी। तो मान रख दो आई बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स, देखो वन अपॉन एक्स डी एक्स की जगह क्या रख सकते हो आप डी टी रख दीजिए। क्या रखा आपने? डी टी। और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। देखो इतना तो आपका ही हो गया खत्म, बचा आपके पास वन प्लस लॉग एक्स, वन प्लस लॉग एक्स को आपने क्या मान लिया टी, तो वो भी कर देते हैं यहाँ पे हम। तो नीचे आपका वन प्लस लॉग एक्स है वो आ जाएगा आपका टी। तो ये बताओ डी एक्स बट्टे एक्स, डी एक्स बट्टे एक्स या फिर वन बट्टे एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या करोगे? तो आप सिंपल बोलोगे सर लॉग एक्स, लिख दीजिए यहाँ पे आई बराबर आ जाएगा लॉग एक्स प्लस टी, और यहाँ पर टी है तो यहाँ पर आ जाएगा क्या लॉग टी, लॉग टी आई बराबर आपको मिल गया क्या लॉग टी। आपने किसको माना था? वन प्लस लॉग एक्स को, तो यहाँ पर रख दीजिए वन प्लस लॉग एक्स प्लस टी। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर थर्ड का भी सॉल्यूशन देख लिया। आई होप कि अब आपको ये समझ में आने लग गया होगा कि आपके जो प्रतिस्थापन विधि है ठीक है वो कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में मैं दे रखा है साइन एक्स फिर साइन फिर ब्रैकेट में कॉस एक्स। अब किसको माने कि हमें दूसरा मिल जाए? तो सबसे पहला काम तो जो मैं दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स फिर साइन कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे आप मान लीजिए किसको मान सकते हैं हम, तो मान लेते हैं माना कॉस एक्स को, इस कॉस एक्स को हम टी मान लेते हैं। देखो हमें सब कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप अपनी तरफ से भी कोशिश करके देखिए कि किसको करने पर क्या आ जाएगा। कॉस एक्स को टी मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स का बच्चा होता है माइनस का साइन एक्स, इसके साथ आ जाएगा डी एक्स और इधर टी का आ जाएगा डी टी। क्लियर है? अब देखो हमारे पास माइनस है नहीं, इस माइनस को हम हटाएंगे तो ये आपका बन जाएगा साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। देखो साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा माइनस का डी टी। तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम आई बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस का डी टी, किसकी जगह इस इसकी जगह बचा हमारे पास साइन कॉस एक्स। तो देखो साइन आ गया हमारा, कॉस एक्स की जगह आप क्या रख देंगे टी। आगे सारी वैल्यू देखो ये सारे हमारे कवर हो जाने चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो सभी के जो सभी ऊपर हमारे मान दे रखे थे उनको हमने प्रतिस्थापित कर दिया। तो अब इसका क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं माइनस साइन टी का, बताओ क्या होता है साइन टी का? अगर आप देखेंगे इंटीग्रेशन साइन एक्स या साइन टी होता है आपका माइनस कॉस एक्स, माइनस का कॉस एक्स। तो एक माइनस आपका ऑलरेडी है, साइन टी का करेंगे तो आ जाएगा माइनस का कॉस टी, माइनस माइनस हो जाएगा क्या प्लस कॉस टी प्लस सी। तो आई बराबर आ जाएगा बच्चों क्या कॉस टी, आपना है किसको कॉस एक्स को, तो ये आ जाएगा आपका कॉस कॉस एक्स प्लस सी। क्लियर है? तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फोर भी हो चुका है कंप्लीट। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव। अब इस क्वेश्चन नंबर फाइव में भी पहले तो वो कर लेते हैं कि इसको मान लेते हैं माना आई बराबर जो आपको फलन दे रखा है आई बराबर इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी और फिर कॉस ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट के बाहर डी एक्स। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए किसको माने कि हमें कुछ मिल जाए। तो अगर हम यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान लें, किसको साइन ए एक्स प्लस बी को, आप चाहे तो कॉस ए एक्स प्लस बी को मान सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन ए एक्स प्लस बी को हमने माना टी, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देखो साइन का होता है बच्चों क्या, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है आपका प्लस कॉस ए एक्स प्लस बी और फिर ए एक्स प्लस बी का जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा आपके पास ए और इसके साथ आ जाएगा डी एक्स बराबर में क्या आ जाएगा डी टी। अब देखो आपने इसको माना ये मिल गया पूरा कॉस ए एक्स प्लस बी,
और ये डीएक्स भी आपके पास जो एक्स्ट्रा है उसको आपने हटा देना है ऐसे। देखो ए एक्स्ट्रा है तो उसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर में आ जाएगा डी टी बट्टे ए, कॉस ए एक्स प्लस बी, देखो कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस डी एक्स भी आप लिख सकते हैं डी टी बट्टे ए, साइन ए एक्स प्लस बी की जगह आप लिख सकते हैं टी। क्लियर है? तो अब कर लीजिए यहाँ पे देखो आई बराबर आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी की जगह टी और कॉस ए एक्स प्लस डी एक्स की जगह आ जाएगा आपका डी टी बट्टे ए। तो ये जो बट्टे में है कॉस रहेगा बाहर निकाल दे और यहाँ पे आ गया आपका डी टी। अब बताओ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो कर दीजिए यहाँ पे। तो आई बराबर हो जाएगा वन अपॉन ए कॉन्स्टेंट, टी का करेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन में टू प्लस सी। तो आई बराबर आ जाएगा आपका वन अपॉन टू ए, टी का मान आपने क्या लिया है साइन ए एक्स प्लस बी, तो टी का मान रखिए क्या जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी और इस पूरे का क्या है यहाँ पर देखो टी स्क्वायर है तो इस पूरे का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा पूरे का होल स्क्वायर यहाँ पर ऊपर सामने स्क्वायर। ठीक है, यानी इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर फाइव का भी आंसर आ गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स पर। क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें रूट में दे रखा है, तो ये आ जाएगा आई बराबर रूट में ए एक्स प्लस बी। तो अब यहाँ पे देखो अगर हम मान लें ए एक्स प्लस बी को, माना ए एक्स प्लस बी को उसको इंटीग्रेशन और यहाँ पर रखे डी ए सी माना, तो हमें मिलेगा क्या सिर्फ ए मिलेगा डी एक्स मिलेगा बराबर में डी टी मिलेगा। अब देखो ए हमारे पास है नहीं यहाँ पर अलग से कहीं पर, क्योंकि ए एक्स प्लस बी इस पूरे को हमने टी मान लिया, तो इस ए को यहाँ से पहले हम हटाएंगे तो जाएगा डी एक्स बराबर में डी टी अपॉन में ए। नेक्स्ट देख लेते देखो आई इंटीग्रेशन, देखो डी टी अपॉन ए तो ये वन अपॉन में कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी की जगह आप रखेंगे टी, तो रूट में है आपका ए एक्स प्लस बी तो जाएगा रूट में टी और इस डी एक्स की जगह आ जाएगा आपका क्या डी टी। ए को ऑलरेडी हम आगे ले चुके हैं, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। आई बराबर आ जाएगा आपका वन अपॉन ए, टी को आप ले सकते हैं टी टू पावर वन बाई टू डी टी। आई बराबर आ जाएगा वन अपॉन ए, इसका जब करेंगे तो आएगा वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन में वन अपॉन टू प्लस वन प्लस सी। तो इसको जब आप सॉल्व करके लिखेंगे आ जाएगा वन अपॉन ए टी की पावर में आ जाएगा दो एकम दो प्लस एक तीन, तीन बट्टे दो और यहाँ पर बैठेगा आपका थ्री अपॉन टू प्लस सी। तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा ये जो टू है ऊपर चले जाएगा टू अपॉन में थ्री ए टी की पावर में थ्री अपॉन टू प्लस सी, और टी आपने किसको माना है टी हमने माना था ए एक्स प्लस बी को और इसकी पावर में आएगा थ्री अपॉन टू प्लस सी। कंप्लीट फॉर्म हमारे पास आ गया टू अपॉन थ्री ए ब्रैकेट में एक्स प्लस, ये हो गया आपका कौन सा नंबर क्वेश्चन नंबर सिक्स कंप्लीट। आई होप बच्चे उसको आप अच्छे से समझ गए। नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर सेवन हमसे कहा है ले लीजिए पहले आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स रूट में एक्स प्लस दो डी एक्स। तो अब यहाँ पे अगर आप एक्स प्लस टू को टी माने इसको, या फिर थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेते क्या कर लेते हैं, क्योंकि अब देखो अगर आप एक्स प्लस टू को मानेंगे करके आप चेक कर लीजिए, ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ आपको एक्स प्लस टू को अगर टी माने, देखो ये हो जाएगा वन आ जाएगा डी एक्स बराबर में क्या आ जाएगा डी टी, तो सामने एक्स भी तो दे रखा है। ठीक है, तो इस एक्स का क्या करेंगे, क्योंकि अगर आप मान लो टी मान रहे हैं तो एक आपका एक्स और एक आपका टी बन जाए, टी बन जाएगा तो आपके दो वेरिएबल हो जाएंगे, तो ये तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें कुछ इसमें ऐसा करना पड़ेगा कि एक माने और हमें दूसरा मिल जाए। देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको एडवांस चलना पड़ेगा, क्या करेंगे लिख लेते हैं माना
एक्स प्लस टू बराबर में टी, हमें चाहिए एक्स, तो हम क्या कर सकते हैं एक्स बराबर लिख सकते हैं टी माइनस टू कर सकते हैं ना। अब देखो एक्स प्लस टू की जगह क्या आ जाएगा टी, और एक्स की जगह आ जाएगा आपके पास टी माइनस टू। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, एक्स का करेंगे तो आ जाएगा आपके पास डी एक्स, इधर आ जाएगा आपका टी माइनस टू, और साथ में क्या आ जाएगा सॉरी टी माइनस टू का करेंगे तो टी आपका वन बन जाएगा, और टू का करेंगे तो क्या आ जाएगा डी, यही बनेगा। क्लियर है? यानी डी एक्स बराबर डी टी, आपने एक्स का क्या डी एक्स आ गया, टी माइनस टू का किया तो टी माइनस टू का डिफरेंशिएट करने पर क्या आ जाएगा, देखो टी तो आपका बन जाएगा डी टी, टू हो जाएगा आपका जीरो। क्लियर है? तो सिंपल वैल्यू रख दीजिए, आई बराबर में आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन एक्स, एक्स की जगह टी माइनस टू, तो आपके पास पहले यहाँ पर एक्स है उसकी जगह टी माइनस टू रखा, और एक्स प्लस टू जो रूट के अंदर है उसकी जगह आ जाएगा क्या एक्स प्लस टू की जगह टी, और डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी। अब देखो वन वेरिएबल में हमने चेंज कर लिया, तो रूट टी की मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो टी की पावर में वन ऑलरेडी है, और यहाँ पर टी की पावर में जब रूट हटाएंगे तो वन बाई टू आ जाएगा, वन बाई टू, फिर माइनस आ जाएगा टू टी की पावर में वन बाई टू, तो पूरे के बाहर डी टी। सिर्फ हमने क्या किया टेस्ट टी को हमने जो रूट टी है उसको हमने वन बाई टू लिखा है, उसकी मल्टीप्लाई अंदर करा दिया, आई बराबर आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगी वन प्लस वन अपॉइंट टू, तो ये बन जाएगा आपका थ्री अपॉइंट टू, और माइनस टू टू दावर थ्री वन बाई टू उस पूरे का डी टी। तो आप अलग अलग लेकर के सॉल्व कर लीजिए या फिर एक साथ करना चाहते हो एक साथ कर लीजिए, तो टी की पावर थ्री अपॉइंट टू, तो ये आपको बन जाएगा टी टू दावर थ्री बाई टू प्लस वन थ्री अपॉइंट टू प्लस वन माइनस टू कॉन्स्टेंट टी की पावर में आ जाएगा वन अपॉइंट टू प्लस वन अपॉन में वन अपॉइंट टू प्लस वन प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप देख लेते क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आई बराबर में टी की पावर में ये दो एकम दो प्लस तीन पाँच बट्टे दो, टी की पावर में आ जाएगा पाँच बट्टे दो, बट्टे में भी आ जाएगा प्लस पाँच बट्टे दो माइनस दो, टी की पावर में आ जाएगा आपका तीन बट्टे में दो, और यहाँ भी आपका तीन बट्टे दो प्लस सी। इसको जब आप घुमा कर लिखेंगे तो ये आपका बन जाएगा आई बराबर में दो बट्टे पाँच, टी की घात में आ जाएगा आपका पाँच बट्टे दो माइनस ये हो जाएगा चार बट्टे में तीन, देखो दो ऊपर जाएगा दो दून चार बट्टे तीन, टी की घात में आ जाएगा तीन बट्टे दो प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, अब टी का मान रख दीजिए तो आई बराबर आ जाएगा आपके पास दो बट्टे पाँच, टी आपने माना है किसको एक्स प्लस टू को माना था, मतलब लिख दीजिए एक्स प्लस टू टू दी पावर फाइव अपॉन टू माइनस आ जाएगा आपका फोर अपॉन थ्री, टी की जगह आपका आ जाएगा एक्स प्लस टू की पावर में थ्री अपॉन टू प्लस सी। कंप्लीट क्वेश्चन, तो यहां पर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर सेवन का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एट, कहीं पर भी बच्चों कोई डाउट कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर एट है आपका। आई बराबर लिख लेते हैं इंटीग्रेशन एक्स रूट में वन प्लस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक हो गया। और अब इसमें बताओ किसको अगर हम माने तो हमें दूसरी चीज मिल जाए, तो यहाँ पे अगर हम वन प्लस टू एक्स स्क्वायर को टी मान लें, देखो वन प्लस टू एक्स स्क्वायर को माने टी, वन का डिफरेंशिएशन जीरो, टू कॉन्स्टेंट बाहर, इस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आ जाएगा आपका टू एक्स डी एक्स बराबर टी का हो जाएगा आपका डी टी, फिर आपका बन जाएगा फोर एक्स डी एक्स बराबर में डी टी। अब आपको तो सिर्फ देखो ये तो आपका टी बन गया, एक्स डी एक्स आपका बनना चाहिए डी टी, अभी जो चार है वो हमारे पास एक्स्ट्रा है तो इस चार को यहाँ से हम हटाएंगे, तो एक्स डी एक्स बराबर में आ जाएगा डी टी बट्टे में चार, सारे मान हमने चेंज कर लिए हैं प्रतिस्थापित कर लिए हैं, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके पास एक्स की जगह आपने क्या रखना है डी टी अपॉन फोर, तो जो वन अपॉन फोर कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा ये आ गया डी टी, इसकी जगह इन दोनों की जगह पर, ठीक है। अब रूट में बचा आपके पास वन, तो वन प्लस टू एक्स स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं क्या
और रूट है, रूट का हमने रूट लगा दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई बराबर आ जाएगा 1/4, पावर हटाएंगे ये हो जाएगा टी की पावर में 1/2 डी टी, तो आई बराबर आ जाएगा आपके पास 1/4, इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा अपॉन में भी 1/2 प्लस 1 प्लस टी, ठीक है। तो आई बराबर आ जाएगा बच्चों आपका क्या, देखो नीचे सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 3, या फिर एक स्टेप और कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका टी की पावर में 3/2 अपॉन में 3/2, तो सॉल्व करेंगे देखो 2 घूम करके ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा आई बराबर में 2/4 × 3 टी की घात में 3/2 प्लस 3, आई बराबर देखो 2 दूनी हो जाएगा 4, ऊपर 1 बचा नीचे 6, यहाँ पे 2 आया ना, तो 1/6 टी की घात में 3/2 प्लस 3। लास्ट स्टेप आई बराबर आ जाएगा 1/6, टी आपने किसको माना है, टी माना था हमने 1+2x² को, टी माना था हमने 1+2x² को माना था, इसकी पावर में 3/2 प्लस सी, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। फाइनल आंसर क्या आया, 1/6 ब्रैकेट में 1+2x² और ब्रैकेट क्लोज 3/2 प्लस सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों आपके सामने है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 में 4x+2 रूट में हमें दे रखा है x² प्लस x+1, तो सबसे पहला काम कि आई ले लीजिए इसको, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 4x+2 और रूट में x² + x+1 dx, आई आपका क्या यहाँ पर इंटीग्रेशन, यानी आई दिखा रहा है उसको, इसको इंटीग्रेशन को, तो यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, वो भी कर लेते हैं, 2 हमने बाहर कॉमन निकाला, कॉन्स्टेंट हो जाएगा आपका बचा यहाँ पे 2x+1 रूट में x² + x+1 dx, मान लीजिए किसको, x² + x, देखते ही पता चल जाएगा आपको कि हाँ किसको मानने पर क्या हमें मिलेगा। देखो आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हो जाएगा 2x, x का करेंगे 1 और 1 का करेंगे 0, तो ये आ जाएगा dx = dt, देखो 2x+1, 2x+1 इसकी जगह dt रख देंगे, इसकी जगह पूरा क्या रख देंगे t, तो ये आपका बन गया है देखो आई बराबर में 2 कॉन्स्टेंट बाहर रहा, इंटीग्रेशन 2x+1 की जगह dt, चलो dt को हमने पीछे रख दिया, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं, x² + x+1 की जगह क्या t रूट है, और इस पूरे के अंदर हमारा क्या जाएगा t कंप्लीट। तो इसमें हम कर सकते हैं क्या, अब सिंपल अगला स्टेप, 2t से आप हटा दीजिए रूट, 1/2 आ जाएगा और इंटीग्रेशन का साइन हटेगा, चलो तो पहले एक लिख लेते हैं सही, 2 अब t की पावर में आ जाएगा 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1 + c, तो आ जाएगा 2, अब t की पावर में 1/2 है तो ये आपका बन जाएगा क्या 3/2 अपॉन में भी 3/2 + c। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा देखो 2 घूम करके ऊपर, यानी 4/3 t³³/3, तो ये जाएगा आपका 4/3, t आपने किसको माना है x² + x+1 को, तो रख दीजिए यहाँ पे x² + x+1 और प्लस आ जाएगा आपके पास क्या c, और इसकी पावर में कितना 3/2, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। बहुत इजी है और अगर आप एक बार इसको समझ गए तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 10, अब इसमें आप किसको मानेंगे बताएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 पहला काम तो आई मान लीजिए, यानी आपको इंटीग्रेशन करना है, और इसका 1/x - √x, यहां पर क्या कर सकते हैं, अगर हम एक्स रूट एक्स कॉमन निकालें, अगर रूट एक्स कॉमन निकालें तो क्या बनेगा, और यहाँ पर साथ में dx भी लिखना है, इंटीग्रेशन 1 इस पूरे के अपॉन में देखो रूट एक्स कॉमन निकालेंगे, ये एक्स को आप एक सिंपल एक्स को आप √x × √x लिख सकते हैं ना, एक्स को लिख सकते हैं ना, तो देखो यहाँ पे बचेगा आपके पास √x,
यहाँ बचा आपके पास प्लस वन क्योंकि रूट एक्स बाहर निकाल दिया आपने। इसको माने कि क्या आ जाए, तो यहाँ पे अगर हम रूट एक्स माइनस वन को टी माने, माना रूट एक्स प्लस वन इक्वल टू टी, और इस रूट एक्स का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं, देखो डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ, एक्स पावर वन अपॉइंट टू आ गया, तो डिफ्रेंशिएशन में एक्स की पावर एन का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। जब आप इसमें मान रखेंगे तो ये आपका देखो बन जाएगा एन का मान कितना है, एक बट्टे दो, फिर आ जाएगा एक्स वन अपॉइंट टू माइनस वन, तो फाइनल आपका बनेगा वन अपॉइंट टू एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू, और इसको आप लिख सकते हैं वन अपॉइंट टू रूट एक्स, लिख सकते हैं यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका वन अपॉइंट टू रूट में एक्स, ठीक है, और वन का करेंगे तो हो जाएगा जीरो डी एक्स इक्वल टू में आ जाएगा डी टी। तो देखो आपके पास वन अपॉन रूट एक्स है, तो आपको वन अपॉन रूट एक्स चाहिए, तो टू को आपको यहाँ से हटाना है, तो टू को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल डी एक्स अपॉन में रूट एक्स लिख लीजिए, टू आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, तो आप आगे सॉल्व कर दीजिए जल्दी से। तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब आई बराबर आ जाएगा वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स आप लिख सकते हैं टू डी टी, दो कॉन्स्टेंट बाहर मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, रूट एक्स प्लस वन की जगह हम क्या लिख सकते हैं टी, तो ये आ जाएगा आपका टी कंप्लीट। यानी हमें क्या मिल गया यहाँ पर, वन अपॉन टी सॉरी अपॉन में आएगा टी, है ना, देखो यहाँ पे रूट एक्स प्लस वन अपॉन टी वन अपॉन टी डी टी, क्लियर है। अब टू वन अपॉन टी या फिर डी टी अपॉन टी क्या होता है, लॉग टी होता है प्लस सी, यहाँ पर जाएगा टू लॉग टी आपने माना था रूट में एक्स प्लस वन को, और प्लस में आ जाएगा सी, तो ये आपका हो गया आंसर, क्या है फाइनल, टू लॉग रूट में एक्स माइनस वन प्लस सी, एक्स माइनस वन है एक्स प्लस वन था क्वेश्चन में हमारे पास, सॉरी एक्स माइनस वन था, ये एक चीज तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इसको आप माइनस वन कर लीजिए पूरा, क्योंकि कॉन्स्टेंट है ये तो आपका जीरो ही हो जाना है। हाँ अगर x रहता इस माइनस वन के साथ या कोई और पद रहता तब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती थी। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर जो नाइन है सॉरी नाइन नहीं टेन आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये था आपका क्वेश्चन नंबर टेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन पर। क्वेश्चन नंबर इलेवन तो लिख लीजिए आई बराबर में आ जाएगा एक्स पूरे का अपॉन में रूट में एक्स प्लस फोर, और एक्स बोला है क्या है जीरो से बड़ा होना चाहिए, यानी नेगेटिव या फिर जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप एक्स प्लस फोर को अगर आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है, एक्स प्लस फोर को अगर हम टी माने, देखो एक्स प्लस फोर को अगर टी माने तो ये तो आपका जाए वन आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा डी टी, तो ऊपर देखो ये आपका x रह जाएगा फिर से, तो वही प्रॉब्लम आ रही है जो एक पीछे हमने क्वेश्चन देखा था, तो यहाँ पर फिर से हमें कोई ना कोई लॉजिक लगाना होगा। तो यहाँ पर फिर से वही सेम काम कर देते हैं कि x प्लस फोर को हम t मानेंगे, जो पीछे भी हमने किया था x प्लस फोर को माना हमने t, अब हमें चाहिए किसका मान, x प्लस फोर को t मान लिया, ऊपर है हमें चाहिए x, तो x का मान हम निकाल लेते हैं, तो ये x बराबर बन जाएगा आपका t माइनस फोर, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए आपका dx हो जाएगा, t को हो जाएगा आपका dt, तो माइनस फोर हो जाएगा आपका खत्म यानी जीरो, ठीक है, यानी dx बराबर dt आ गया। अब मान रख दीजिए क्योंकि हमें क्या चाहिए वन वेरिएबल में चेंज करना है प्रतिस्थापित करना है, तो एक्स की जगह आ जाएगा ऊपर टी माइनस फोर अपॉन में रूट एक्स प्लस फोर की जगह आ जाएगा आपका क्या रूट टी और डी एक्स की जगह डी टी कम्प्लीट। अगला स्टेप इस रूट टी को हम अलग अलग अपॉन में ले लेते हैं, तो टी अपॉन में आ जाएगा रूट टी अलग अलग कर लेते हैं, माइनस का आ जाएगा फोर कॉन्स्टेंट और यहाँ पे आ जाएगा आपका वन अपॉन रूट टी डी टी, क्लियर है। अब सॉल्व कर लीजिए, देखो आई बराबर ऊपर टी है तो ऊपर वाले और नीचे से एक आपका टी को देखो रूट टी इंटू रूट टी लिख सकते हैं ना, तो नीचे आपका एक रूट थी तो इससे आपका ये हो जाएगा कट, बचेगा कि आपके पास सिर्फ एक रूट थी, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास रूट टी और रूट टी को हम ले सकते हैं सीधा सीधा टी टू द पावर वन बाई टू,
ले रहे हैं तक -4। इस रोटी को अगर ऊपर लेकर के आएंगे तो ये बन जाएगा आपका माइनस का 1/2 डी टी। देखो नीचे +1/2 बनेगा, ऊपर लाएंगे तो -1/2। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो आई बराबर बन जाएगा टी 1/2 +1/ 1/2 +1 -4 टी की पावर -1/2 +1/ -1/2 +1 +c। नेक्स्ट स्टेप आई इज इक्वल टू बन जाएगा टी टू द पावर 3/2 3/2 और इधर आ जाएगा आपके पास -4। अब -1/2 +1, देखो 2 की गुणा 1 में, 2 एकम 2 -1 +2/2 बचेगा आपके पास क्या 1/2। आ जाएगा टी की पावर में 1/2 भी +1/2 +c। नेक्स्ट स्टेप आई इज इक्वल टू ये चेंज हो जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 2/3 टी की पावर में 3/2 -2 की मल्टीप्लाई ऊपर 4 में हो जाएगी, 2 4 8 और टी की पावर 1/2 रहेगा +c। मान रख दीजिए आप टी किसको माना आपने, एक्स प्लस 4 को, तो लास्ट फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 2/3 ब्रैकेट में एक्स प्लस 4 की पावर में आ जाएगा 3/2 -8 और टी आ जाएगा रूट में एक्स प्लस 4 +c, क्योंकि टी की पावर में अगर हाफ है तो इसका मतलब क्या हुआ, रूट रूट है ना, और टी आपने मान रखा है क्या, टी आपने लिया है क्या एक्स प्लस 4। तो इस तरह से आपका कौन सा नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 का भी देख लेते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर में 1/3 और एक्स की पावर 5। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन भी। तो सबसे पहला काम कि इसको आई मान लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर में आ जाएगा 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 5। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्या कर सकते हैं, और इधर आप इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए डी एक्स, यहाँ पे हम कर सकते हैं आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 इंटीग्रेशन इस एक्स टू द पावर 5 को, एक्स टू द पावर 5 को हम ले सकते हैं एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख सकते हैं। तो यहां से हम क्या कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 को मान लेते हैं और इसकी पावर में 1/3 है, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 1 को मान लेते हैं क्या टी, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे या फिर हमें चाहिए क्या एक्स क्यूब भी चाहिए। देखो यहाँ पे एक्स क्यूब भी है, अभी तो सिर्फ इसको ये आ गया टी, ठीक है। अब यहाँ से हमें एक्स क्यूब का मान भी चाहिए तो एक्स क्यूब का आप ले सकते हैं, एक्स क्यूब हो जाएगा आपका टी माइनस 1 और फिर उसके बाद हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते तो ये आपका बन जाएगा 3x² dx बराबर में आ जाएगा dt। देखो ये हो गया है, ये हो गया x स्क्वायर बचा, तो x स्क्वायर ले लेते हैं, x स्क्वायर dx इसकी जगह आ जाएगा आपका dt अपॉन में, देखो कोई मान छूटना नहीं चाहिए, सारे आपने कवर कर लिए, अब सिंपल आप ये रख दीजिए उसमें। I बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस 1 की जगह, एक्स क्यूब माइनस 1 की जगह आ जाएगा आपका टी और पावर में 1/3 इंटू एक्स टू दी पावर 5, सॉरी एक्स टू दी पावर 5 को हमने लिखा एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब की जगह आप लिख सकते हैं टी माइनस 1, इसके आ गया टी माइनस 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स को आप लिख सकते हैं डी टी अपॉन में 3, ठीक है। देखो सारे क्या कर दिए, प्रतिस्थापित कर दिए, चेंज कर दिए, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी तो 1/3 कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन, तो ये बन जाएगा आपका t टू द पावर 1/3 इंटू टी टू द पावर 1, ये वाला t टू द पावर 1, फिर माइनस t टू द पावर आ जाएगा आपका 1/3 इंटू 1 करेंगे तो आपका वही रहेगा, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा dt। अब इसका इंटीग्रेशन ओपन कर दीजिए तो i इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो 1/3 कॉन्स्टेंट, और ये जो 1/3 है ये क्या है आपका कॉन्स्टेंट, इसको हमने बाहर कर दिया, t की पावर देखो 1/3 +1 करेंगे 3 1 3 +1 4, यानी t टू द पावर आ जाएगा 4 अपॉन में 3,
अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, फिर माइनस ये आपका बन जाएगा टी टू पावर वन अपॉन थ्री डी टी। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। तो ये देखो आपका रहेगा वन अपॉन थ्री टी टू पावर फोर अपॉन थ्री, ओपन कर दीजिए, फोर अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन में आ जाएगा आपका फोर अपॉन थ्री प्लस वन, फोर अपॉन थ्री आएगा थ्री वन जा थ्री, फोर अपॉन थ्री प्लस वन। ठीक, आगे देखते हैं। और ऊपर अगर हम देखें थोड़ी सी एक जगह मिस्टेक हुई है क्या, यहाँ पर देखो माइनस का वन था, जब हम इधर लेकर गए वो क्या हो जाएगा आपका प्लस वन बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर आपने क्या कर लेना है, प्लस कर लेना, बाकी और कुछ इसमें चेंज नहीं होना है। तो ये प्लस वन हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये आपका आ जाएगा टी टू दी पावर वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन में वन अपॉन थ्री प्लस वन प्लस आ जाएगा आपका सी। तो फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा आपका वन अपॉन थ्री, और इधर रहेगा आपका देखो तीन एकम तीन, चार और तीन कितना हो जाएगा चार पाँच सात। तो लास्ट लिख लेते हैं टी आ जाएगा आपका सेवन अपॉन थ्री, यहाँ पर भी आपका आ जाएगा सेवन अपॉन थ्री प्लस टी टू की पावर आ जाएगा फोर अपॉन थ्री, फोर अपॉन थ्री प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप, अभी वन अपॉन थ्री को इधर बाहर ही रखो आप पूरा, ये आपका बन जाएगा थ्री अपॉन सेवन टी टू दी पावर आ जाएगा आपका सेवन अपॉन थ्री प्लस ये आ जाएगा आपका थ्री अपॉन फोर टी टू दी पावर फोर अपॉन थ्री प्लस सी। वन अपॉन थ्री की मल्टीप्लाई अंदर का देखो, जब आप थ्री की मल्टीप्लाई अंदर का आओगे वन अपॉन थ्री, तो ये आपका थ्री से थ्री कट हो जाएगा, यहाँ भी जब आप वन अपॉन थ्री लाओगे तो ये थ्री से आपका थ्री कट हो जाएगा कंप्लीट। तो इसको आप एक स्टेप और अगर बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा करके लिख लीजिएगा। तो फाइनल आ गया आपके पास देखो वन अपॉन सेवन टी टू दी पावर सेवन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन फोर टी टू दी पावर फोर अपॉन थ्री प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर टी का मान रख दीजिए वन अपॉन सेवन, टी आपने किसको माना था, टी माना था आपने एक्स क्यूब माइनस वन को, एक्स क्यूब माइनस वन को लिख दीजिए यहाँ पे आप एक्स क्यूब माइनस वन की घात में आ जाएगा सात बट्टे तीन प्लस एक बट्टे चार, एक्स क्यूब माइनस वन की घात में चार बट्टे तीन प्लस सी। तो ये आपने देख लिया कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का भी कंप्लीट सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्टीन, तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन का भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्टीन में कहा है सबसे पहला काम आई इज इक्वल टू ले लीजिए आप इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में टू प्लस थ्री एक्स क्यूब और इस पूरे का होल क्यूब और बाहर आपका आ जाएगा डी एक्स। यहाँ तक कंप्लीट है। अब यहाँ पे अगर हम टू प्लस थ्री एक्स क्यूब को, इसको टू प्लस थ्री एक्स क्यूब को देख लेते हैं, माना टू प्लस थ्री एक्स क्यूब को आपने अगर टी माना, ठीक है, तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा थ्री थ्री नाइन, नाइन एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर में डी टी। देखो टू प्लस थ्री एक्स क्यूब आ गया टी, यहाँ से हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर में आ जाएगा डी टी बट्टे में नौ। देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स ये आपका बन जाएगा डी टी अपॉन में नाइन, तो नीचे वाला बन जाएगा आपका क्या टी। क्लियर है? तो सिंपल अब मान रख दीजिए, तो आई बराबर आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स जगह वन अपॉन आ जाएगा नाइन और डी एक्स जगह आ जाएगा डी टी, फिर उसके बाद टू प्लस थ्री एक्स क्यूब अपॉन में है तो ये आ जाएगा वन अपॉन में क्या टी, और इसकी पावर में कितना है थ्री है, यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ आपने इसको तो टी माना ऊपर थ्री है तो आपका वैसे का वैसे रहेगा। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे आई इज इक्वल टू वन अपॉन नाइन कॉन्स्टेंट, टी को जब आप ऊपर लाएंगे तो बन जाएगा माइनस का थ्री इंटीग्रेशन डी टी,
तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा 1/9, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, -3 + 1/ -3 + 1 और +3। नेक्स्ट स्टेप आई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/9, टी टू द पावर आ जाएगा -2/(-2)+c। तो देखो ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू आ जाएगा 9 × 18 माइनस का 1/18 और ये बन जाएगा 1/(+t²+c। क्लियर है? तो अब आप मान रख दीजिए टी का आई इक्वल टू -1/18 और टी आपने माना है किसको, टी लिया है आपने 2+3x³ को, टी लिया आपने 2x, sorry 2+3x³, 2+3x³, 2+3x³ माना आपने टी को, इस पूरे का स्क्वायर प्लस सी, यही आपका क्या है फाइनल आंसर। क्लियर है? बाकी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट या कोई स्टेप समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर करूँ पूछेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा है इंटीग्रेशन 1/(x) ब्रैकेट में log(x^n) और फिर आपको कंडीशन दे दी कि, और साथ में आ जाएगा आपका dx, x इज ग्रेटर देन 0 एंड m इज नॉट इक्वल टू 1। देखो m का मान अगर 1 आ गया तो फिर आपका वो सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे अगर हम log x को लिख लें t, माना log x बराबर t, आपको पता है log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/(x) dx बराबर dt। तो अब मान रख दीजिए i बराबर में आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन dx की जगह आ जाएगा dt, किसकी जगह 1/(x) dx की जगह dt, पट्टे में है log x, log x को आपने मान लिया t और ये पावर में आ जाएगा m। कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप आई इज इक्वल टू, अब टी की पावर एम ऊपर लाएंगे तो बन जाएगा t^(-m) इंटीग्रेशन डी टी, इंटीग्रेशन कर दीजिए तो आई इज इक्वल टू बन जाएगा, इंटीग्रेशन साइन हटाओ तो ये बन जाएगा t^(-m+1)/(-m+1)+c। ये आपने माना है लॉग एक्स को, लॉग एक्स रख दीजिए, आई बराबर आ जाएगा log(x^(-m+1)/(-m+1)+c, यही आपका क्या है बच्चों फाइनल आंसर है। या फिर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहे तो नीचे वाले को आप अगर बुक का आंसर चाहिए तो 1+(-m) कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 14। अब बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? बाकी क्योंकि अभी इसमें लगभग आपके 30-32 क्वेश्चन है, तो बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि ये 14 क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।